मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बीच अब पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से ग्वालियर में जयविलास पैलेस के बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए। साथ ही सिंधिया को खोज कर लाने वाले को 5100 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई। इस पोस्टर में लिखा है, तलाश है गुमशुदा जनसेवक की। बीजेपी नेताओं ने इस मामले में झांसी रोड पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया और कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस के स्थानीय नेता सिद्धार्थ सिंह राजावत को गिरफ्तार कर लिया।